बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। मैं कल जुमे रात का दिन था, आज जुमे का दिन है तो आज ही व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, वो भी दोपहर का टाइम है। तो कल तकरीबन मैं असर के बाद निकला था उकाड़ा से, तो लेकिन ईद का रश था जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हुई घर पहुँचने में। तकरीबन मैं रात 11:30 या 12 बजे तक घर में पहुंचा हूँ, क्योंकि गाड़ियों में पूरा रश था, लाहौर से फुल होके आ रही थी तो आगे से मुझे सीट नहीं मिल रही थी और काफ़ी मुश्किल हुई है कि रात जितनी मुश्किल से मैं घर में पहुंचा हूँ। लेकिन यह है कि अल्लाह के फजल करम के साथ घर में खैर से के साथ पहुँच गए। तो अभी भी लाइट गई हुई है, जनरेटर अभी बंद हुआ है हमारा, क्यों गैस का कुछ कभी चली जाती है कभी आ जाती है, तो गैस भी गई हुई है उसकी वजह से जनरेटर कुछ बंद हुआ है। तो मौसम भी बाहर हबस हो रहा है, ये हिम्मत फैन चल रहा है अभी। तो अभी बाहर का माहौल दिखाते हैं आप दोस्तों को। ये बादल हो रहे हैं और बारिश का मौसम फुल है और पता नहीं है कब तक आएगी, तो लेकिन माहौल फुल बना हुआ है बारिश का। तो जब बारिश आएगी वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी कि क्या माहौल बनता है गाँव का बारिश में, और बाहर का माहौल भी आप दोस्तों को दिखाया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कल पट्ठे कुतरे थे उसकी पिछली वीडियो है, तो लाइट गई हुई थी तो इसलिए हाथ पे कुछ कुतरने पड़े। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, तकरीबन खाना खाया और कोई काम वगैरह नहीं किया। तो आज सुबह का टाइम है, चारा लेने के लिए बाहर निकले हैं अपनी ज़मीनों की तरफ। तो इधर हबस भी काफ़ी है क्यों मौसम काफ़ी तब्दील सा हो रहा है। ये अपना चारा है और आगे से ख़रीदे हुए हैं, कि अपने अभी ख़त्म हो रहे थे इसलिए साथ वालों से लिए हुए हैं, तो इधर से कटा देंगे उनको, जब अपने होंगे इधर से दे देंगे उनको। तो चारा हमारा कटा हुआ है, बस वो रेडी पे रखा जा रहा है, तो अब्बा जी लेके जाएंगे। मैं तो बस वैसे ही चक्कर लगाने के लिए आया था और आया भी पैदल हूँ और जाऊँगा भी पैदल ही, तो बस थोड़ी सी देर देखते हैं अपनी फसल को और आप दोस्तों को भी दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापसी। नाश्ता भी करना है अभी, इन्होंने लगता है इधर के अंडे दिए हुए हैं जिसकी वजह से मुझे देख के काफ़ी बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, लगता है इधर कहीं अंडे दिए होंगे। इधर ही कहीं अंडे दिए हुए हैं इन्होंने, ये देखें कहीं आसपास ही दिए हुए हैं। तो मैं जैसे जैसे फसल के पास आता हूँ बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करती हैं। ये जी हमारी मूंगी की फसल है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, मूंगी भी लगी हुई है तो अभी और भी लगेगी, फूल लगे हुए अभी, अभी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखें